And welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you all are doing absolutely great. आज हम लोग चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट टू सेशन से डील करेंगे, जिसमें हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप सबके लिए आज ही समाप्त कर देंगे। तो इसकी समाप्ति के लिए आज पार्ट टू सेशन आपको देखना है, साथ साथ भी इस चैप्टर के पूरे अच्छे से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। गाइस, हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो मैंने खुद से लिखे हैं कंप्यूटर में, एंड दे आर द बेस्ट क्वालिटी नोट्स। आपको रिविजन करने के लिए अगर चाहिए वो, आपको रिविजन करना, यू डोंट नीड टू कम बैक टू द सेशन अगैन एंड अगैन। आप उन नोट्स को प्रिंट आउट करके रख सकते हो या फिर उनको पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हो। पीडीएफ मैंने दे दिया है, तो उनको प्रिंट करा लो या फिर पीडीएफ फॉर्म में रखो, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, इट्स योर चॉइस। एंड उनको अपने पास रखोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा एग्जाम्स के पहले। सो चैप्टर 3 से डील करेंगे, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड पूरे चैप्टर की समाप्ति कर देंगे हम लोग। तो दिस इज द पार्ट टू सेशन एंड द लास्ट सेशन। सो गाइस, सबसे पहले स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। सो ऑन टेलीग्राम व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज वी प्रोवाइड यू गाइस विद ऑल द स्टडी मटेरियल यू रिक्वायर, एंड वो सारे जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होते हैं वो सारे आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल किए जाते हैं। जो स्टडी मटेरियल मैं बोल रही हूँ, जिसकी बात कर रही हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। सो व्हाट टू डू टू ज्वाइन माई टेलीग्राम, क्या करना क्या है आप सबको, तो यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप। देखो इसका लोगो यहाँ पे कुछ बना हुआ है, इफ़ यू गाइस कैन सी, तो ये ऐसा है टेलीग्राम ऐप उसका। और फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, और फिर हमें ज्वाइन करना है। ये हमारी प्रोफाइल है चैनल की, तो आपको फिर ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके गाइस, नाउ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो लास्ट सेशन में जो जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है उसे एक बार ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि यार फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स के तीन प्रकार से हमने डील किया था, थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन देखा था बस इनका, तो इंट्रोडक्शन देखा था। फिर एनिमल फाइबर्स में हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे प्रोसेस किए जाते हैं। वूल की प्रोसेसिंग हमने कम्प्लीटली देख ली थी, वूल कैसे बनता है पूरी देख ली थी, कि सबसे पहले उसको स्कॉर किया जा रहा है, सॉर्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। एंड आज हम लोग प्लांट फाइबर्स के बारे में आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ोगे। एंड आज हम लोग वूल के बाद आज सिल्क वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। आज क्या देखेंगे, सिल्क वाला पार्ट देखेंगे। तो आज हम लोग सिल्क वाला पार्ट से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो हियर इट गोस समथिंग लाइक दिस। तो आज ना मैंने एक जो टेक्स्ट बुक थी उसी की ये कुछ लिया है। आज तो मैंने लास्ट सेशन में मुझे बोला था कि दैट हेल्प यू अलॉट, जो मैंने टेक्निक आपको बताई थी कि हाउ डू यू रीड योर एनसीईआरटी, मतलब अंडरलाइन करते जाना है और। सो लेट्स डू इट फॉर टुडे एज वेल, ठीक है। तो वॉट डू आई डू इज आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन लिटल बिट हियर एंड इट गोज। सो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। तो कहाँ से हैच किया जाता है, द फीमेल सिल्क मॉथ क्या होती है, वो एग को ले करती है, क्योंकि मेल तो करने वाला है नहीं, और फिर उसी में से क्या बनते हैं आपके कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। दे ग्रो इन साइज एंड वेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट्स फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले वो क्या करता है, एक नेट बनाता है टू होल्ड इटसेल्फ। Then it swings its head from side to side in the form of figure. ये textbook में से है, it's written like this. During these movements of the head, the caterpillar secretes, यहाँ पे देखो, the caterpillar secretes fibers made of a protein which hardens the exposure to air. एक second, मैं यहाँ से which hardens the exposure on air on exposure to air and becomes silk fiber. Sorry guys, I was actually not concentrating here. So then soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns to pupa. फिर क्या होता है, it turns to pupa. Okay, तो इतना देख लिया हमने। अब क्या करते हैं, इतना पहले डिस्कस कर लेते फिर आगे का अंडरलाइन करेंगे, या फिर हम लोग रीड ही करते चले जाएंगे एंड डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो सबसे पहला क्या है प्रोसेस देखो, तो पहले क्या करते हैं, फीमेल सिल्क मॉम यू नो लेज एग्स को ले करते हैं, जिसमें से क्या बनते हैं, लार्वा आपका निकलता है, जिनको हम कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स भी कहते हैं।
फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आसपास एक नेट बना लेते हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए। देखो हम लोग सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट्स को डिस्कस कर लो, कितना इजी हो रहा है फॉर अस। मतलब आप भी ये टेक्निक यूज़ करना कि व्हाइल यू आर रीडिंग अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। ओके, फिर क्या करती है, इट स्विंग्स इट्स हेड साइड टू साइड। अब ये इसलिए करती है क्योंकि उसके पास एक चीज़ होती है, एक ड्यूरिंग द एक बार देख लो कि ये जब अपने हेड को इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, साइड टू साइड मूव कर रही होती है, तब उसके पास एक उसके पास एक फाइबर होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि हार्डन्स विच हार्डन्स एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो कि एयर से जैसे इसका एक्सपोजर होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है और फिर वो सिल्क बनता है, फिर वो क्या बन जाता है, सिल्क बन जाता है। तो वो साइड टू साइड करती है, अपना हेड को मूव करती है, उसके पास एक प्रोटीन का एक सिक्रीशन होता है जो कि फिर एयर से जैसे उसको एक्सपोजर मिलती है वो हार्ड हो जाती है एंड सिल्क में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वो पूरे अपने आप को कम्प्लीटली यही सिल्क से, जो सिल्क बना वो साइड टू साइड मूव करके इसी से कवर कर लेता है, वो बनता है फिर प्यूपा। देखा आपने, हम लोगों ने अंडरलाइन पॉइंट्स को कितने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से कि दिस कवरिंग इज नोन एज कुकुन। अब जब वो कवर हो जाता है पूरा तो उसको कुकुन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जब पूरा कवर हो जाता है उसको कुकुन बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इन टू द मॉथ कंटिन्यूज इन साइड द कुकुन। और बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो कुकुन के अंदर ही होता है। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लोथ, ये तो पता ही है। अब गाइस कैन यू इमेजिन द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। मतलब वो जो सिल्क यार्न है छोटा सा पतला सा, वो एक स्टील की थ्रेड जितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयरेबल टू अ थ्रेड ऑफ स्टील। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन ऑफ द सिल्क मॉथ। वो कहाँ से मिलता है आपको, कुकुन से मिलता है ऑफ द सिल्क मॉथ। This is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. ठीक है, वो टेक्सचर में डिफरेंट होते हैं। थर्स तसार सिल्क मूगा सिल्क, ये देखो ये सिल्क के नाम है जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट वन मार्कर्स में, एक्सेट्रा, और ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। तो ये मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। राइट गाइस, मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है, या फिर आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें रीड करो एंड अंडरलाइन करो। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, आई वॉन्ट योर एनसीईआरटी विद यू पीपल, बिकॉज यही है द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। तो सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा फेमस है आपका मलबरी सिल्क मॉथ, जो मलबरी ट्री के लीव खाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम इन कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटिफुल कलर्स। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। अब देखो आपने रीड किया ये सारा चीज़, एंड आई नो अब मैंने आपको रीड करके पका दिया, बट दैट्स द ओनली वे हाउ यू कैन स्टडी द बेस्ट। ओके, तो यार देखो इसमें बताया क्या है कि वो साइड टू साइड जब इस तरह इस साइड अपने हेड को मूव करता है, वो जो प्रोटीन वो सिक्रीट कर रहा होता है, वो एक्सपोजर व्हेन इट गेट वो एयर से जब एक्सपोज होता है, जब उसको एयर मिलता है तब वो हार्ड हो जाता है एंड अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, प्यूपा बन जाता है। इसको कुकुन बोलते हैं। ठीक है, वो प्यूपा बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कुकुन बोला जाता है। और कुकुन ही फिर एक्चुअली वो स्टेज होता है जिससे हम सिल्क वॉर्म निकालते हैं। ठीक है, अब जो प्यूपा का जो डेवलपमेंट है वो कुकुन के अंदर ही हो रहा होता है, तो हमें तो कुकुन चाहिए। हम लोग उसको क्या करते हैं, हॉट वाटर में डालते हैं, ताकि वो जो कुकुन को हम लोग हॉट वाटर में क्यों डालते हैं, ताकि जो भी मतलब ज़्यादा सिल्क थ्रेड्स है वो अलग अलग हो जाएं एंड हम लोग उनको यूज़ कर पाए। एंड ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी भी लास्ट में आपको सुनाऊंगी ऑन द डिस्कवरी। अब सेरिकल्चर होती है द कल्चर ऑफ सिल्क, जो लास्ट सेशन में हमने बोला था। तो हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है ऑन अ कमर्शियल लेवल और अ कमर्शियल स्केल। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के सिल्क भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्चर के बेसिस पे, कि वो कितने स्मूथ हैं, वो कितने शाइनी हैं, उन सब के बेसिस पे। तो वो एक होता है आपका तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ से लिए जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिल्क होता है वो होता है मलबरी का। ठीक है, जो कि मलबरी ट्रीज के लीव्स खाता है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी फेमस। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस। सो नाउ मूव करते हैं विद नेक्स्ट थिंग, जो कि है फिर हमारा नेक्स्ट है, एक फिगर है जो देखेंगे। तो ये लाइफ हिस्ट्री का ये पहला जो मेल सिल्क होता है, मेल जो ये देखो आप
आप देख रहे हो ये बटरफ्लाई है कितनी क्यूट सी। एक्चुअली इट इज़ अ सिल्क मॉथ, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ सिल्क मॉथ। ये क्या करेगी, ये मतलब ये जो बटरफ्लाई दिख रही है ये इट इज़ अ सिल्क मॉथ, ये मेल होता है एंड ये फीमेल होती है, ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है, ये दे आर द एडल्ट सिल्क मॉथ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये एग्ज है ऑन द मलबरी लीव्स, आप देख रहे हो मलबरी लीव्स खाते हैं ये मलबरी मॉथ्स, मतलब जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। एंड इट इज़ अ सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म है। कुकुन से जो वो कवर हो जा रहा है, देख रहे हो आप क्या लेयर बनी है। एंड ये कुकुन है, ये जो दिख रहा है ये कुकुन है। कुकुन के अंदर ये आपका प्यूपा जो है ना, वो कुछ ऐसा सा ब्यूटीफुल सा दिखता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वन, इजंट दैट, यस। नाउ फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, अब कुकुन के कहाँ से कैसे बना ये सारी चीज़ें देख ली, अब कुकुन से सिल्क कैसे बनता है ये देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। अब कुकुन जो होता है वो ऐसा लेयर होता है जो कि यू नो वो एक ऐसा लेयर होता है जो कि आपका कम्प्लीटली सिल्क वर्म को कवर कर लेता है एंड अंदर प्यूपा की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब उससे क्या होता है कि सिल्क थ्रेड्स को करने के लिए कुकुन्स को रियर उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको रियर किया जाता है। अब अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्ज एट अ टाइम, द एग्ज आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर टू होल्ड द सिल्क वर्म फार्मर्स। द फार्मर्स कीप एग्ज अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, ओके, एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द एग्ज आर वॉर्म्ड टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब क्या किया जाता है, उनको अच्छी कंडीशन में रखा जाता है एंड दे आर कीपन एट यू नो एट अ सूटेबल टेम्परेचर ताकि वो हैच कर सके। ओके, नाउ दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज वियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब किया जाता है, जब मलबरी ट्रीज जो होती है ना, दे वियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स बिकॉज दे फीड ऑन देम। ओके, नाउ द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज, मतलब वो दिन रात चबा 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 करते हैं, दे इंक्रीज अ लॉट इन साइज। What do will I prefer guys, कि आप सेशन के नोट्स देखो, चीज़ों को अंडरलाइन करो, उनको अच्छे से रीड आउट करो, बिकॉज ये चैप्टर इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, आपको रीड करने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू वेरी बी थरो अबाउट द NCERT रीडिंग। इस चैप्टर की पूरी पूरी NCERT पढ़नी है आपको अच्छे से अंडरलाइन करके, जैसे मैंने आपको दोनों ही सेशंस में सिखाई है। ओके, ये देखो फीमेल सिल्क मॉथ जो कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग वो ले करती है। आपको मलबरी ट्री है जिसका ऐसा एक लीफ दिखता है, ठीक है, और ये कुकुन्स आपके दिखे, ये तो ये कुछ फिगर हैं जो आपको आपके NCERT में मिलेंगे। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आज का, वो है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो एक बार क्या हुआ था जानते हो, एक एम्प्रेस थी मतलब एम्पर यू नो एक जगह की रानी थी जिसका नाम था सीलंगची, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नाम इसीलिए था बिकॉज शी बिलोंग्ड टू द वेरी फेमस चाइना, ठीक है। तो चाइना से थी एक्चुअली, और चाइना को तो हम सब जानते हैं, तो चाइना की थी। एंड वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुएंग ती तो टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लिव्स ऑफ मलबरी ग्रोइंग इन दैट गार्डन। तो क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा बोला था, उनका जो एम्परर था हुएंग ती तो, पता नहीं क्या ही नाम है, तो उनको ऐसा बोला गया था कि मतलब उन्होंने बोला था कि तुम लोग ये ढूंढो कि एक्चुअल में हमारी जो मलबरी ट्रीज है, वो मलबरी ट्रीज हैं, वो डैमेज क्यों हो रही है हमारे गार्डन। उनके पास एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था, ठीक है, तो है ना, तो क्या हो रहा था कि जो एम्प्रेस थी जिनको ऐसा बोला गया था, शी वाज सिटिंग इन हर गार्डन, ठीक है, एंड उन्होंने एक चीज़ देखा कि वाइट कलर के जो वर्म्स थे दे वर ईटिंग अप मलबरी लीव्स, वो क्या कर रहे थे, मलबरी लीव्स को ईट कर रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकन्स अराउंड देम। एक्सीडेंटली अ कुकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। ये भी बहुत एक ये है कि उन्होंने देखा कि मतलब वाइट कलर के कुछ ऐसे अजीब वगैरह हैं, जानवर हैं, मतलब ऑब्वियसली शी वॉज अ नोइंग दैट वॉट एग्जैक्टली दे वर। सो उसने देखा कि वो वाइट कलर के जो वर्म्स हैं वो मलबरी लीव्स को खा रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, शाइनी कलर के कुकुन्स को अपने आसपास स्पिन कर रहे हैं। एंड एक्सीडेंटली एक कुकुन उसके कप ऑफ टी में गिर जाता है, वो टी के साथ बैठी हुई होती है गार्डन में, जैसे मैंने बोला। तो अब कप ऑफ टी तो गर्म है, तो क्या होती है, जो थ्रेड होती है कुकुन जब गिर जाती है तो जो सारी थ्रेड्स होती है अलग अलग होना स्टार्ट होती है। अब अलग अलग, मैंने जैसा कि आपको बोला वार्म वाटर में डालते तो अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है तो एक थ्रेड्स बन जाती है। अब ये जो है ना सिल्क की, इसी से हम लोग मानते हैं कि सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई गई थी, ठीक है, चाइना में हुई गई थी और इसको सीक्रेट रखी गई थी फॉर सेवरल ईयर्स। उसको सीक्रेट मतलब दे डोंट वांट टू टेल एनीथिंग या सो दे वर सेल्फिश फॉर सेवरल ईयर्स। तो उसे सीक्रेट कितने टाइम के लिए रखी गई थी, फॉर सेवरल ईयर्स,
फिर ट्रेडर्स ट्रैवल करते करते उनको पता चला एंड या द रूट द ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट. तो फिर उनको पता चला कि सिल्क ऐसा कुछ होता है. तो जो कप ऑफ टी में गिरी थी ना, फिर व्हाट शी डिड वाज उस एम्प्रेस ने सिल्क का उसी फाइबर का बना एक खुद का पूरा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनवाया था. इमेजिन. सो दिस इज हाउ सिल्क वॉज डिस्कवर्ड. एंड गाइज, स्टडी मटीरियल के लिए इस चैप्टर का ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. दिस इज माई टेलीग्राम प्रोफाइल, दिस इज द टेलीग्राम का आपका लोगो. सो गो अहेड एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय. एंड नेक्स्ट चैप्टर जो कवर करेंगे वो है होगा हमारा हीट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा. तो हीट चैप्टर में तो आप सबको हमारे साथ ही रहना है. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय. Love you all.